राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क है और वो फर्क उन्होंने अपने हिसाब से बताया है। इसके बारे में बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ हैं। राठौड़ साहब, जो कुछ उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो फर्क है, उन्होंने कहा कि हिंदू सच की राह में चलता है, सच की तलाश करता है, और हिंदुत्ववादी डर कर रहता है और नफरत से भरा हुआ होता है। अपराध बोध से ग्रसित राहुल गांधी जी बार बार आज अपनी रैली के अंदर ये सिद्ध करना चाहते थे कि मैं हिंदू हूं, और इस बात को कहते कहते हिंदुत्व की जो उन्होंने व्याख्या की, मैं समझता हूं जो पहले सलाम खुर्शीद ने कहा उसी तर्ज पर उन्होंने आज हिंदुत्ववादी को आतंकवादी, कट्टरवादी, अवसरवादी, असत्य बोलने वाले, नाना न जाने किन किन शब्दों से नवाजा। शायद वो भूल गए होंगे कि हिंदू और हिंदुत्व पर पूरे देश में बड़ी बहस चली थी, मामला सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में गया। देवसम मंदिर के मामले के अंदर उस पीठ ने साफ ये कहा कि हिंदुत्व जीवन शैली का नाम है, यानी हम सब लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे जीवन शैली जो हमारी है उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस के नेता ने किया। उसी फैसले में साफ कहा गया कि हिंदुत्व को कभी भी कट्टरपंथी से उग्रवाद के साथ जोड़कर उसकी व्याख्या किया जाना सर्वदा अनुचित है। आज न जाने कौन से शब्द कोश का उपयोग उन्होंने क्या कर डाला, मैं समझता हूँ ये अज्ञान का कारण रहा कि उनके द्वारा की गई हिंदुत्व की व्याख्या उनके गले में पड़ेगी और देश के अंदर इस बात का लोग उनसे जवाब मांगेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल के दामों पर टिके रहते तो भाजपा को जवाब देना मुश्किल हो जाता? देखिए, पेट्रोल और डीजल पर, महंगाई पर राहुल गांधी ने अपने 30 मिनट के भाषण में 3-4 मिनट बात की, परंतु सरकार, राजस्थान की सरकार जिसने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दामों को हम भारतीय जनता पार्टी के समय के वेट से कम करेंगे, आज कटघरे में खड़ी है। आज देश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक वेट यहाँ है, सर्वाधिक महंगी बिजली यहाँ है। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को दोबारा से एक फ्यूचर लीडर की तरह प्रोजेक्ट, ये फ्लॉप लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग फ्लॉप हो गई, फ्लॉप सरकार की, फ्लॉप रीलॉन्चिंग। और जो वादा किया, दावा करते थे 2 लाख का, आज मुश्किल से 20 और 22 हजार 24 हजार में आकर सिमट गई। ये सिद्ध कर हो रहा है, वो भी सरकारी मशीनरी के भयंकर दुरुपयोग से। रैली फ्लॉप रही, किसी प्रकार का कोई संदेश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं दे पाई, और शायद इसी से कुपित होकर सोनिया गांधी ने भाषण तक नहीं दिया। सचिन पायलट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि सचिन पायलट को उतनी तरजीह नहीं दी गई? देखिए, एक बार फिर अपमान की राजनीति का मंजर हमने इस बार रैली के मंच से देखा। सचिन पायलट, जिनके दम पर यह सरकार आने में सबसे बड़ी भूमिका रही, एक बार फिर जानबूझकर नजरअंदाज किए गए। एक बार कई काफी देर तक तो वो मंच पर भी नहीं दिखे, और मंच में एक छोटा सा कोना उनको देना, यह उनके साथ उनका एक बार फिर अपमान करने की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम है। तो साफ तौर पर प्रहार और वापसी प्रहार में भाजपा जो है वो जुट गई है, और भाजपा का कहना है कि जो रैली है वो फ्लॉप रही है और जो रीलॉन्चिंग रही है वो एक तरह से बिल्कुल फ्लॉप रही है राहुल गांधी की। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देव